Hello students, today I will teach you EVS. Now take out your EVS book and open page number 11. पिछली वीडियो में मैम ने आपको चैप्टर नंबर 2 अवर बॉडी पढ़ाया था. आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे. ओके, लेट स्टार्ट. एक्सरसाइज ए, टिक एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें आपके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. उसमें जो 1 ऑप्शन आपका करेक्ट है उस पे आप टिक का सिंबल लगाओगे. ओके, नंबर 1, वी हैव डैश आईज. वी हैव 3 आईज, वी हैव 4 आईज, वी हैव 2 आईज. हमारे पास कितनी आईज है? 2 आईज है ना. वी हैव 2 आई. ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट है. वी हैव 2 आई, TWO2. ओके, नंबर 2, आवर ईयर्स हेल्प अस टू डैश. आप ईयर की हेल्प से क्या करते हो? ऑप्शन है आपका सी, स्मेल, हियर. तो आप ईयर्स की हेल्प से क्या करते हो? हियर करते हो ना, यानी सुनते हो. आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट है. हियर, HEHEAR, हियर. आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर. नंबर 3, आवर स्किन इज वेरी डैश हार्श सॉफ्ट हार्ड. हमारी स्किन कैसी है? हार्श है, सॉफ्ट है या हार्ड है? मैम ने आपको पढ़ाया था ना, स्किन कैसी होती है? सॉफ्ट होती है. तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है. SOFT सॉफ्ट, SOFT सॉफ्ट. आवर स्किन इज वेरी सॉफ्ट. ओके, नंबर 4, वी हैव अ डैश इन आवर माउथ. ऑप्शन आपका टंग, ईयर्स, नोज. हमारे माउथ में क्या है? टंग है, ईयर्स है या नोज है? हमारे माउथ के अंदर टंग होती है ना, तो हमारे माउथ के अंदर टंग है. तो आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, टंग. TONGUE, टंग. वी हैव अ टंग इन अवर माउथ. एक्सरसाइज बी, टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स. जो स्टेटमेंट्स राइट है उस पे हम टिक का सिंबल लगाएंगे, जो स्टेटमेंट्स आपका रॉन्ग है उस पे आप रॉन्ग का सिंबल लगाइएगा. नंबर 1, देयर आर 5 सेंस ऑर्गेन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गेन्स होते हैं. ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है या राइट है? राइट है ना. मैंने आपको पढ़ाया था 5 सेंस ऑर्गेन्स होते हैं. कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. तो ये स्टेटमेंट आपका राइट स्टेटमेंट है. टिक का सिंबल हम लगाएंगे. नेक्स्ट, वी हैव 3 ईयर्स. वी हैव 3 ईयर्स. हमारे पास 3 ईयर्स होते हैं? नहीं ना, हमारे पास तो 2 ईयर्स होते हैं. तो ये आपका स्टेटमेंट जो रॉन्ग है. नेक्स्ट, नंबर 3, आवर ईयर्स हेल्प अस टू स्मेल. हम अपनी ईयर्स की हेल्प से स्मेल करते हैं. ईयर्स की हेल्प से हियर करते हैं यानी सुनते हैं, स्मेल तो करते नहीं है. तो ये आपका रॉन्ग है. नंबर 4, आवर स्किन इज वेरी सॉफ्ट. स्किन कैसी होती है? वेरी सॉफ्ट, यानी बहुत मुलायम होती है ना. राइट, टिक का सिंबल रहेगा. नंबर 5, वी हैव अ टंग इन आवर माउथ. हमारे माउथ में
उसमें क्या होती है, टंग होती है, ये भी राइट है। एक्सरसाइज सी जो है आपका, मैच ईच एक्शन टू द सेंस ऑर्गन्स। एक्शन को उसके सेंस ऑर्गन से हमें मैच करना है। नंबर वन, स्मेल अ रोज। रोज को हम स्मेल करते हैं किस ऑर्गन से, कौन सा सेंस ऑर्गन से, नोज। नोज की हेल्प से हम स्मेल करते हैं ना। हियर द सॉन्ग, आप सॉन्ग किसकी हेल्प से सुनते हो, ईयर्स की हेल्प से सुनते हो, ईयर्स में मैच करिएगा। नेक्स्ट, टेस्ट एन आइसक्रीम, जब आप आइसक्रीम खाते हो तो उसका टेस्ट आप किसकी हेल्प से लेते हो, टंग की हेल्प से लेते हो, टंग में मैच करिएगा। रीड अ न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर कैसे रीड करते हैं, आईज की हेल्प से। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर शार्प थिंकर्स। नंबर वन, कैन यू सी विदाउट आईज, क्या आप आईज के बिना देख सकते हो, नहीं ना, आप यहां राइट करिएगा नो। नंबर टू, इफ यू टच हॉट वाटर विच सेंस ऑर्गन गेट अफेक्टेड, अगर आप हॉट वाटर को टच करेंगे तो आपको कौन सा सेंस ऑर्गन जो है अफेक्टेड होगा, स्किन, एस के आई एन स्किन। फन टाइम, टिक द सेंस ऑर्गन, इसमें जो सेंस ऑर्गन है उसमें आप टिक का सिंबल बनाओगे, फर्स्ट आपका नोज ये आपका सेंस ऑर्गन है और आईज आपका सेंस ऑर्गन है, फिर टिक का सिंबल लगाइएगा। ओके बच्चों, आज आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आप अपनी बुक में बहुत अच्छे से ये सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लीजिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है उसका पीडीएफ जाएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय, सी यू।